हाँ भाई जंगल मंगल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फौज जावेद और मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। आज मैं आपको अपना एक साल का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मुझे पूरे एक साल हो चुका है और डार्विन के अंदर मैं रहते हुए एक साल है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ना ही मैं कोई एजेंट हूँ, ना ही मैं आपको कोई वीजा लगा सकता हूँ। मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस, अपना निचोड़ बता सकता हूँ कि अभी मैंने ये किया, ये एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद डिसीजन लेना आपके ऊपर है, उसके बाद आपका डिसीजन है कि आप मेरी एक्सपीरियंस से क्या सीखो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मेरा एक साल का एक्सपीरियंस डार्विन के अंदर। हाँ भाई, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं लास्ट ईयर दिसंबर में आया था यहाँ पर। मुझे एक साल हो चुका है लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर। आपको याद होगा कि नवंबर दिसंबर के अंदर चाइना के अंदर कोविड-19 स्टार्ट हुआ था, और उस वक्त हम लोग हंस रहे थे कि चाइना ने वो पूरा एरिया बंद कर दिया। उसके बाद जनवरी फरवरी में पूरी दुनिया में वो फैलना शुरू हुआ, और मार्च के अंदर वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आया। मार्च में ऑस्ट्रेलिया ने बैंक सब कुछ लॉकडाउन और सब कुछ स्टॉप कर दिया। मेरे पास, मैंने एक वीडियो बनाई थी जनवरी फरवरी में, जिसके अंदर मैं जॉब ढूंढ रहा था। अगर आप मेरे सीधे हाथ पे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा लिंक। इस पे आप देख सकते हैं कि मैं जॉब ढूंढ रहा था उस वक्त, और जॉब कैसे मुझे मिली थी। मुझे जॉब मिली थी तकरीबन 2-2.5 महीने के बाद। जिस जॉब पे मैं था उस वक्त लगा था, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, माँ बाप की दुआएं, और शायद आप में से भी किसी ने दुआ की होगी मेरे लिए, ज़रूर की होगी। मुझे याद है कि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते थे फवाद के, हम आपके लिए दुआ करते हैं, और कमेंट भी कर रहे थे। तो आज तक मैं उसी जॉब पर लगा हूँ, जिस घर में आया था उस वक्त से आज तक मैं उसी घर पे हूँ। तो अब एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं आपको कि है क्या यहाँ का एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो जब आप यहाँ पर आओगे तो आप एक्सपोज होगे यहाँ पे एक एबोरिजिनल कम्युनिटी है जो कि यहाँ के ओरिजिनल ओनर्स हैं। ठीक है, मुझे उनके बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन वो दे लुक टोटली डिफरेंट। अगर आप मेलबर्न या सिडनी में या कहीं बड़े सिटी में रहे होगे तो आपने उनको कभी देखा ही नहीं होगा, आपके दिमाग में ही नहीं होगा। यहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है, वो लोग यहाँ पे रोडों पे सोते हैं, उनकी कम्युनिटीज़ बहुत है, क्राइम बहुत है, यूथ क्राइम बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। गाड़ी के शीशे टूटेंगे, मतलब मारा मारी बहुत ज़्यादा है। आप गाड़ी में कोई मोबाइल या कोई चीज़ सामान छोड़ के नहीं जा सकते। जब मैं पहले दिन आया था, तीसरे दिन मेरे गाड़ी का कोई शीशा तोड़ के चला गया था फॉर नो रीज़न। ठीक है, तो और जहाँ मैं रहता हूँ पामेस्टन में, मैं दूर रहता हूँ, 20-25 किलोमीटर सिटी से दूर रहता हूँ, तो यहाँ पर तो वो लोग रात में चल रहे होते हैं भाई, रोडों पर रेड लाइट के ऊपर वो चल रहे होंगे, आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी। तो एक डिफरेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको कोई डरा रहा हूँ, कि मैं नेगेटिव वे वो चीज़ दिखा रहा हूँ, मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को ना सेफ रखना पड़ता है, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ का जो कल्चर है, जो यहाँ का माहौल है, बिल्कुल फिट, रिलैक्स, चिल, टाइम ही टाइम है लोगों के पास, बैठे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। मेलबर्न और सिडनी के हिसाब से, मेलबर्न सिडनी के अंदर 5-5 मिलियन लोग हैं, तो यहाँ पर 1.5 या 2 लाख लोग रहते हैं। अब अंदाज़ा लगा लो कि जब आपके पास 5 मिलियन से 2 लाख होंगे तो क्या कहते हैं, वो होगा भी नहीं, ट्रैफिक नहीं होगा। और जब आपका ट्रैफिक नहीं होगा तो आप इमेजिन कर लो कि 1 से 1.5 घंटा रोज़ का आपका ट्रैफिक में मेलबर्न या सिडनी में लगता था, वो सारा का सारा टाइम बच जाएगा। वो टाइम आप अपने ऊपर लगाओगे, आप अपने दोस्त बनाओगे, जो कि मैंने अपने व्लॉग्स में, पुराने व्लॉग्स में दिखाया भी है, और मैंने काफ़ी दोस्त भी बनाए यहाँ पर, आप अपने ऊपर लगाओगे। फिर दूसरी चीज़, यहाँ पर जब टाइम बच जाएगा तो या तो आप अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करोगे, या आप अगर मिंगल लाइफ को एंजॉय करोगे, मिंगल मतलब अपनी बीवी के साथ होगे, बच्चों के साथ होगे। तो ये एक यहाँ पे ब्राइट साइड भी है कि आपको टाइम निकल आता है, यहाँ के सनसेट बहुत अच्छे हैं, आप ड्राइव पे जा सकते हो। ठीक है, ये एक ब्राइट साइड है। लेकिन जब आप बड़े शहर से आते हो तो आप मिस करते हो बड़े शहर की वाइब्स। मतलब यहाँ पे खाने के कोई रेस्टोरेंट नहीं है, पाकिस्तानी कोई रेस्टोरेंट नहीं है, आपको खाने का बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। मैकडोनल्ड, हंगरी जैक, सबवे, बस सिर्फ इसी से काम चलता है। मुश्किल से कोई कबाब हाउस है, 3 या 4 कबाब हाउस है, उनमें से भी मतलब जो क्वालिटी हमें मेलबर्न या सिडनी में मिलती थी वो नहीं है यहाँ पर। खाने के लिए मैं बहुत अपसेट रहता हूँ यहाँ पर, कि खाने की कोई ऑप्शंस नहीं है यहाँ पर। उसके बाद अब मैं एक्सपीरियंस आपको ये बताता हूँ कि भाई यहाँ पर आना चाहिए कि नहीं। मैं सीधी सी बात करूंगा, मुझे पता है आपके 4 मिनट अभी तक यहाँ हो चुके हैं, आप लोगों ने अगर देख लिया होगा तो सीधी सी बात करूंगा कि हाँ भाई, ऑस्ट्रेलिया के अंदर डार्विन में जाने से पीआर मिलेगी कि नहीं, यहाँ पर डार्विन में जाने से पीआर मिलेगी कि नहीं, 491 मिलेगा कि नहीं, या 190 मिलेगा कि नहीं।
बहुत सारे लोग बोल रहे थे यहाँ पे पॉलिसी चेंज नहीं होंगी, लेकिन यहाँ पॉलिसी चेंज हो गई जुलाई के बाद। अब यहाँ पर ये यह है कि अगर आप अपनी टीआर खत्म करके आ रहे हो और यहाँ पर स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हो, तो आप यहाँ पे 491 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते या जब तक आपके पास फुल वर्किंग राइट्स नहीं होंगे। और अगर आप 491 के लिए अप्लाई करोगे और आप स्टूडेंट वीजा पे हो, तो आपको वो मिलेगा नहीं। अभी तक स्टूडेंट वीजा के ऊपर मैंने नहीं सुना किसी का 491 आया हो। फिर रिपीट करता हूँ, अभी तक मैंने स्टूडेंट वीज़ा पे किसी का नहीं सुना कि उसका 491 वीज़ा आया हो। और अगर आपको एजेंट यहाँ पे भेज रहे हैं कि आप यहाँ पे 6 महीने काम कर लोगे और आपका 491 वीज़ा आ जाएगा, तो भाई मैं उन एजेंट्स के आगे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज़ बच्चों का टाइम मत और पैसा मत बर्बाद करो। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर आपसे दोबारा से शेयर करता हूँ कि अगर यहाँ पर जॉब्स की क्या सिचुएशंस हैं। अगर तो आप यहाँ सिक्योरिटी करके हो या ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो यहाँ पे सिक्योरिटी की जॉब्स मिल जाएंगी आपको। ऊबर के भी हाफ जितने पैसे आप वहाँ कमा रहे हो उतने मिल जाएंगे। आईटी, अकाउंटिंग, इंजीनियर, इंजीनियरिंग की यहाँ पे काफ़ी स्कोप है, लेकिन अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस है, ये मत बोलना कि मैं पाकिस्तान इंडिया गया हूँ, वहाँ पे मैं 5 साल 10 साल काम करके आया हूँ, मेरे वहाँ के एक्सपीरियंस से मुझे जॉब नहीं मिल रही। यहाँ पे जॉब नहीं मिलेंगी। 2 लाख लोग यहाँ पर हैं, तो आप अंदाज़ा लगाओ कि 2 लाख में आपसे पहले यहाँ पर कम से कम 20,000 तो लोग आ गए होंगे जिनके पास हाई स्किल्स हैं। ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं करना कि आप यहाँ पे आके वो जॉब्स करोगे। यहाँ पे कोई 5 या 10 हज़ार रेस्टोरेंट नहीं है जिसके अंदर हर किसी को किचन हैंड में कैश पे पैसे मिल जाएंगे, तो वो भी एक्सपेक्ट नहीं करना। अब जॉब्स यहाँ पर किस टाइप की है वो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जॉब्स यहाँ पर अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, सबसे पहले एक्स्ट्रा स्किल में आती है आपके पास ट्रक लाइसेंस है, आपके पास फोक लाइसेंस है, आपके पास क्या कहते हैं वाइट कार्ड है, आपके पास कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है, आप प्लम्बर हो, आप क्या कहते हैं सवेयर हो, लैंडस्केपर हो, लॉन मोइंग है, यहाँ पर आपको अगर नर्स हो, यहाँ पर डॉक्टर हो, डेंटिस्ट हो, इस टाइप की अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आपको यहाँ पर जॉब मिलेगी। ठीक है, अगर आपके पास स्किल्स, अगर आप बेसिक मेलबर्न के अंदर ऊबर चलाते हुए आ रहे हो, सिडनी में, मेलबर्न में चलाते आ रहे हो, यहाँ पे भी आके वही करोगे तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ के फंसोगे, वही काम करते रहोगे। मैंने अभी तक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हो सकते मेरी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हो, वैसे होनी नहीं चाहिए, मैं अच्छे खासे लोगों से बात करता हूँ, मैंने अभी तक किसी का नहीं सुना कोई स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर 491 आया हो। अभी तक किसी का नहीं सुना जो क्या कहते हैं ड्राइव ऊबर कर रहा हो या टैक्सी कर रहा हो उसका 491 आ। अगर पार्ट टाइम में कोई टैक्सी ऊबर चला रहे हो और वो फुल टाइम में कहीं जॉब कर रहा है वो अपनी फील्ड के अंदर, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन फुल टाइम ऊबर के ऊपर मैंने अभी तक नहीं सुना। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये कि लाइफ यहाँ पे डिफरेंट है। मुझे कभी कभार मैं बोर हो जाता हूँ यहाँ पे। बोर मतलब ऐसा है कि खाने के कोई स्पॉट नहीं है यहाँ पे, खाने के लिए आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे कोई इवेंट्स नहीं है, मतलब कि ना ही स्पोर्ट्स है, ना ही आपको यहाँ पे क्रिकेट के कोई इवेंट्स मिलेंगे, ना ही यहाँ पे कोई स्विमिंग है, ना ही यहाँ पर आप क्या कहते हैं मोटो जीपी है, ना टेनिस है, ना फ्लावर, कुछ कोई ऐसी कोई इवेंट्स होते ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे 2 सीजन हैं, 2 सीजन के अंदर आप क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे। अब यहाँ पर जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो इस टाइप का एक्सपीरियंस है कि बहुत रिलैक्स लाइफ है, मतलब आप पैसे कम कमा रहे हो तो आपके खर्चा भी कम हो रहा है, क्योंकि आप हर रोज बाहर खाने के लिए जा ही नहीं रहे, आप हर कॉर्नर पे, यहाँ पे शॉपिंग सेंटर है ही नहीं, तो आप बाहर जाओगे कम तो पैसे भी बच जाएंगे। तो जब पैसे बच जाएंगे तो वो पैसे आप अपने ऊपर लगाओगे, लेकिन पैसे उस वक्त बचेंगे ना जब आप मेलबर्न या सिडनी की तरह बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हो। तो यहाँ पर पैसे उस वक्त आएंगे आपके पास, या तो आप यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी वर्किंग राइट्स हो, या फिर आप उसके अंदर यहाँ पर डायरेक्ट पीआर हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छी अर्निंग कर सकते हो, अच्छी सेविंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि फवाद जावेद यहाँ पर ओवरऑल एक्सपीरियंस तुमने 1 साल किया, मुझे सिंपल ये बता दो आओ या ना आओ, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस से ये बता सकता हूँ कि अभी मैंने रिसेंटली देखी थी कि सीटें जो एलोकेट हुई हैं, 500 सीटें 491 के अंदर है और 500 सीटें आई थिंक 190 के अंदर है, तो 1,000 सीटें टोटल। अब आप अंदाजा लगाओ कि 1,000 तो सिर्फ पाकिस्तान से आ गए होंगे यहाँ पर, मतलब अभी पाकिस्तानी आ गए होंगे मेलबर्न, सिडनी, पर्थ, एडलेड इधर से घूम के यहाँ पर, तो फिर इंडिया से कितने आए हुए होंगे यहाँ पर, बांग्लादेश से कितने आए हुए होंगे, नेपालीज यहाँ पर तो इंडिया से भी ज़्यादा है यहाँ पर, और यहाँ पे वियतनामीज अगर आप देख लोगे तो वो तो मार्केट्स चलाते हैं यहाँ पर। तो
तो मैं किसी को मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे बोलने से आओ या मेरे बोलने से ना आओ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, समझदारों के लिए थोड़ा सा इशारा दे रहा हूँ, ठीक है। एक अच्छी चीज़ मैं बता सकता हूँ, अभी कल ही मेरी बहुत अच्छी दोस्त है इंडिया से, उसने मुझे फ़ोन किया। वो इंडिया मतलब ओरिजिनल इंडिया से, लेकिन वो रहती तस्मानिया में। उसका 491 आया है, तो मैं बहुत खुश था, बहुत खुश था कि यार एक क्योंकि मेरा अपना फ्रेंड सर्कल के अंदर कोई एक ऐसा है जिसने मुझे फ़ोन करके बताया उसका 491 आया, और उसकी वहाँ पे सीटें भी मेरे ख्याल अच्छी खासी हैं। तो मुझे नहीं पता, मैं रह के आ चुका हूँ तस्मानिया, लेकिन अभी क्या सिचुएशन है वहाँ की मैं कुछ नहीं बोल सकता। सिर्फ मैं आपको एक ये बता रहा हूँ कि वहाँ पर तस्मानिया में 491 उसका आया है, तो मैं आपसे बस उसकी खुशी शेयर कर रहा हूँ। तो डार्विन का एक्सपीरियंस 50-50 है, अच्छा है, सुकून है, रिलैक्स है, पैसे हैं, लेकिन जिस मकसद से के लिए हम आए हैं शायद वो मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि गाइस डू कम हियर, मैं अभी जब तक मेरा नहीं होगा उस वक्त तक मैं आप लोगों को बोलूंगा कि नहीं कि आओ यहाँ पे। जब मेरा हो जाएगा तो आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा कि हाँ भाई अब आओ, ये देखो इस तरह से किया है मैंने और तुम लोग भी करो। तो मैं जो कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई लाइफ है यहाँ पर, लेकिन जिस मकसद से लिए मैं आया हूँ वो मकसद अब पहले करीब था, लेकिन पॉलिसी चेंज होने के बाद अब वो दूर होता जा रहा है। तो आई होप अपनी मेरी पूरी उम्मीद है, अपनी पूरी कोशिश है, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि गाइस आप में से बहुत सारे लोग अपने घर को चला रहे होंगे, अपने बहन भाइयों में कोई छोटा है तो वो आया हुआ है। मैं एक बंदे को जानता हूँ, वो उसके घर में 3 या 4 बहन भाई हैं और वो घर का सबसे छोटा है, और वो घर को चला रहा था जब मेरी उससे बात हुई थी, और वो मेलबर्न में है समझ रहे हो, और मेलबर्न में लॉकडाउन की वजह से वो स्ट्रगल कर रहा था। तो अब मैं यही सोच रहा था कि यार किस तरह से वो घर पे चला रहा होगा। अल्लाह का शुक्र है मुझे तो घर में पैसे नहीं भेजने पड़ते, लेकिन मैंने देखा है लोगों को, किसी की कोई वाइफ है, किसी के बच्चे हैं, वो किस तरह से चला रहे हैं घर का सामान, किस तरह से कर रहे होंगे। अगर वो मेलबर्न में है, सिडनी में है, वो कहीं पर भी है, उसके पास जॉब नहीं है, तो पता नहीं भाई। मेरी सबके लिए दुआएं, मेरी सारे लड़कों के लिए दुआएं कि अल्लाह मेरी तरफ से मेरी खुशियां भी उनको दे दे, और जो मुझसे ज़्यादा डिजर्व करता हूँ उनको मुझसे पहले दे दे भाई पीआर। लेकिन बस मैं आप सब लोगों को ये बोलूंगा यार मेरे लिए भी दुआ करें, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, अपना घर बार सब छोड़ के आया हूँ, 6-7 साल होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में, और थक गया हूँ, बस भाग भाग के थक गया हूँ कि यार अब हो जाएगा ऐसे ही वहाँ मेरा एक्सपीरियंस। आई विश आप लोगों को अपनी दिल जिंदगी में सारी खुशियाँ मिलें, और मेहनत करते रहो यार, एक ना एक दिन रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। और जिनको रिवॉर्ड ऑलरेडी मिल चुका है तो मैं उनसे बोलूँगा कि यार जिनको नहीं मिला उनके लिए दुआ करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, नाम फवादे दुआओं में याद रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।